आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश की पहली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मतगणना के पहले धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, मंगल ग्रह के उत्पत्ति स्थल मंगलनाथ और माँ हरसिद्धि का विशेष पूजन दर्शन किया और यहाँ प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसका आशीर्वाद भी मांगा। इस दौरान उनके साथ धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। महाकाल महाराज की शरण में आने का सौभाग्य मिला। कल राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त करके फिर मेरी स्वाभाविक इच्छा थी और बाबा ने बुलाया था, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब लोग आए और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो और उनका आशीर्वाद ऐसा मिले कि सबका कल्याण लगातार जारी रहे। ये अद्भुत नगरी है और महाकाल महालोक की शोभा न्यारी है। खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में 28 सितंबर को नाले में मिले मानव अंग की डीएनए, जिसमें पता चला कि यह मानव अंग गुमशुदा राजू खान का है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बहोड़ापुर थाने में दर्ज की गई थी। दरअसल 28 सितंबर को जनकगंज थाना क्षेत्र के रामकुई पुल के नीचे नाले में एक मानव अंग मिला था, जिसके डीएनए रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि यह मानव अंग राजू खान का है, जिसके बाद ग्वालियर थाना पुलिस मामले के हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। रामकुई पुलिया के पास में कुछ मानव अंग मिले थे, तो उसके संबंध में मानव अंगों की जांच की जा रही थी जनकगंज थाने द्वारा। और इसके पूर्व में उसके जो भांजा एक राजू खां है, उसका भांजा शाहरुख ने भी एक आवेदन दिया था कि मेरे मामा का जो है कल्लू खां ने हत्या कर दी है। इस संबंध में आवेदन की जाँच की जा रही है। आवेदन और कल्लू खां राजू खां जो है दिनांक 21 सितंबर से घर से गायब था। इसके संबंध में उनके परिजनों द्वारा गुम इंसान भोड़ापुर थाने में गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा लगातार उसकी जांच की जा रही है। जांच में उसका लास्ट लोकेशन भी, मोबाइल 9 दिन बाद स्विच बंद हो गया था और लास्ट लोकेशन भी कल्लू के घर के पास की झाड़ू वाले मोहल्ले में मिली थी। तो अभी चूंकि जो पार्ट्स मानव अंग मिले थे उनकी जांच डीएनए करवाया गया। डीएनए में जो बात की पुष्टि, कल रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो पुष्टि हुई कि डीएनए जो रिपोर्ट आई है वो मृतक राजू की है। तो अब इसमें अग्रिम जो संदेही के संदेह जिस पे व्यक्त किया गया है उसके लिए, वो लगातार घर से गायब है, तो उसके लिए मतलब उसको तलाश करके पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर, मध्य प्रदेश के सागर जिले में नाबालिग बच्चियों के अपहरण की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिले के जैसी नगर थाना क्षेत्र में लगातार दो दिनों में दो नाबालिग बच्चियों को अगवा कर लिया गया था। वहीं इस घटना में दोनों बच्चियों सही सलामत पुलिस को मिल गई है, जबकि एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं दूसरे मामले का आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही थाने में पुलिस बल सहित नगर में पुलिस की गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है। जहां से बच्ची गई थी वहां से जिस रूट पर जाने का बताया था, पूरी लगातार सर्चिंग करी, उसके बाद में एक संदेही का भी बीच में जानकारी मिली, संदेही का भी जिक्र हुआ, उस संदेह की तलाश की गई। बाद में सभी टीम के द्वारा रात में लगातार सर्चिंग की गई एसडीपी साहब के मार्गदर्शन में, और उसके बाद में फिर मॉर्निंग के टाइम में बच्ची करीब 1.5 किलोमीटर दूर घर से खेत में मिली, जहां पर हमारी टीम लगी हुई थी। टीम को बच्ची मिली, बच्ची से पूछताछ करी, उसके बाद परिजनों को सुपुर्द की गई, बच्ची सुरक्षित दस्तयाब हो गई है। बाकी जो संदेही आरोपी है
उसके हम लगातार तलाश कर रहे हैं और उसको अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां शहर के बहोड़ापुर पुलिस ने एक विवाहित युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गौरतलब है कि युवती 3 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। इसे जनकगंज थाना क्षेत्र में भूरे बाबा की बस्ती में रहने वाला कपिल कुशवाहा नामक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। साथ ही कपिल कुशवाहा ने डरा धमकाकर युवती से 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। वहीं कपिल कुशवाहा के चंगुल से छूटकर युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और पति को पूरी बात बताई। इसके बाद पति पत्नी कपिल कुशवाहा के खिलाफ शिकायत करने बहोड़ापुर थाने के पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ दलित उत्पीड़न, दुष्कर्म, मारपीट और धमकाने का मुकदमा भी दर्ज कराया है। 3 दिन पूर्व एक महिला घर पर बिना बताए कहीं चली गई थी, तो उनके परिजनों द्वारा बहोड़ापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर से बहोड़ापुर में गुम इंसान का दर्ज किया गया था। बहोड़ापुर द्वारा लगातार जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कल महिला को दस्तयाब किया, मिल गई महिला। और मिलने पर जब उसके स्टेटमेंट महिला अधिकारी द्वारा ली गई, पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि एक व्यक्ति जो है उसको ज़बरदस्ती उसको ले गया था अपने साथ में और उसके साथ में मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो महिला के स्टेटमेंट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देना तथा एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया। खबर दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र में पति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की चाकू मार कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई है। गौरतलब है कि मृतका मर्जीना खान घर में अकेली थी, तभी उसके पहले पति नफीस खान ने उसकी चाकू मार कर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पटेरा पुलिस और हटा SDOP नितेश पटेल मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कार्यवाही के बाद अस्पताल भेज दिया है। आवाज लगाई सामने देख चल रहे थे, दुनिया घर का तो बाबू जी के हम नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा रहा, पहले हमें नहीं जाना, तुम्हारे पास नहीं रहना। उन्होंने कहीं हमने छोड़ चुकी हैं दाई, उन्होंने कहीं हमने ले लई, हमने तो कोर्ट से ले लई, छोड़ चुकी हमें तुम्हारे पास नहीं रहना। तो उन्होंने छोड़ा न कारो और घुमा दें यहाँ से, तो दो जनों हम मारा से बचे, मार से उन्होंने छोड़ा के रखा। किसको बहू को आप बहू मर जी ने आके उसके बाद मैं मार के और भाग गया। रोड का गाड़ी खड़े कर रहे थे, सब अपने गाड़ी से पीली शर्ट पर तो लड़का 10-12 साल का लड़का है और काली जर्सी पे है। दो लोग थे जिसने घटना घटित की उसको जानते हैं आप? नाम कहाँ का रहने वाला है? महिला के परिजन उसको लेके आए थे, काफ़ी गंभीर अवस्था में थी। उसको बाएं तरफ सीने में 2 घाव थे, वो घाव गहराई तक किसी लंबे धागे हथियार से लगाए गए थे। उसमें अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण वो ख़त्म हो गई थी। उसका नाम मर्जीना खान था, उसके पति का नाम मुश्ताक खान था और उसकी उम्र लगभग 32 साल थी। ठीक है, वो यहीं पटेला की रहने वाली थी और ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। मैनेज करने की कोशिश करी लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, खून बहुत ज़्यादा गिर गया, इसलिए वो ख़त्म हो गई। करीबन 10:30 बजे सुबह मर्जीना खान पति मुश्ताक खान, ये वार्ड नंबर 14 पटेरा की निवासी हैं। इनका जो पूर्व में के जो पति थे नफीस खान, उनका जो भी तलाक के बाद इनका विवाह चल रहा था उस पर से आज इनकी दिनांक में सुबह उसके द्वारा चाकू से इनकी हत्या कर दी। सर आरोपी पकड़ा गया? आरोपी अभी फरार है, टीम रवाना है और जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की अगली खबर की ओर, जहां बहोड़ापुर थाना पुलिस ने महिला से मोबाइल लूटकर भागने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही महिला से लूटे गए मोबाइल, एक बाइक भी बरामद कर ली है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले 2 बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक नाबालिग के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बहोड़ापुर पुलिस में कुछ दिन पूर्व एक महिला के हाथ से मोबाइल दो बदमाश लूट के ले गए थे, उस पर से बहोड़ापुर थाने में लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लगातार बहोड़ापुर पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही थी, उसमें लगातार बदमाशों का पीछा किया जा रहा था। मोटरसाइकिल पे थे तो उनके नंबर भी CCTV कैमरे के आधार पर उनके नंबर भी ट्रेस किए जा रहे थे। CCTV और साइबर की मदद से कल 2 आरोपियों को धौलपुर से
पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे घटना में प्रयुक्त मोबाइल और जो मोटरसाइकिल यूज़ करी थी वो बरामद किया गया। उनमें से एक आरोपी जो है नाबालिग है और एक बालिग। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।